अपने रास्ते आप खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का न्यू टाउन होम के एक नए एपिसोड में। गजेंद्र नाम है मेरा। आज जिस डुप्लेक्स, जिस प्रॉपर्टी, जिस आलीशान घर का हम विजिट करेंगे, गैस गोदाम मार्ग है ये एरिया, सेल्बी हॉस्पिटल के सराउंडिंग वाला एरिया, लगभग 700 मीटर का डिस्टेंस है सेल्बी हॉस्पिटल से यहाँ का। 108 गज में आती है प्रॉपर्टी। डायमेंशन है इसका 15x65, 108 गज है, फुली फर्निश कैटेगरी में होती है डिलीवर। प्राइस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्या खास है फुली फर्निश में उसके बारे में विस्तार करेंगे, कितनी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया है उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख लें और एंजॉय कर लें इसका इंट्रो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए अपडेट के लिए, नई जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फ्रंट एलिवेशन के बाद इसका ब्रॉड पार्किंग स्पेस है, 15 का इसका फ्रंट आता है, तो पूरे 15 के फ्रंट में पार्किंग स्पेस क्रिएट किया गया है। अगर आप कोई लग्जरी सेडान यूज करते हैं, एक्सयूवी यूज करते हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है आपकी गाड़ी पार्क करने का। और उसके अलावा बाकी काफी बड़ा एरिया बचता है आपके टू व्हीलर पार्किंग के लिए। अगर सुबह के टाइम या शाम के टाइम बाकी स्पेस एरिया में आप चेयर लगा के बैठ के अपनी चाय का आनंद लेना चाहते हैं, तो संपूर्ण और शानदार तरह से डिजाइन की गई है पार्किंग। शानदार वाली है इसकी फॉल सीलिंग, एंटिक लाइटों के साथ किया गया है डिजाइन। ये आता है इसका मीटर का कैबिनेट, वुडन कवर्ड के साथ प्लान किया गया और बड़ी सेफ्टी का रखा गया है इसमें ध्यान। ये आपका सू रैक आता है, जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आप अपने सू यहां रिमूव करते हो और बाकी फिर उसके बाद घर में एंटर करते हो। आइए, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। वीडियो कॉलिंग डोर की फैसिलिटीज इसमें मिलती है और ये मिलता है उसका एक्सेस की फ्रंट विजिबिलिटी में। फ्रंट में घर में जो आना चाह रहा है वो कौन है, ये आपका आता है ड्रॉइंग एरिया। बहुत ही शानदार और एंटिक तरह से किया गया है इसको डिजाइन। फ्रंट में आती है कर्टन्स, प्रॉपर कर्टन आती हैं, और बैक स्पेस को किया गया है शानदार तरह से डिजाइन। बहुत ही एंटिक काम किया गया है वुडन के साथ इसका। शानदार वाला फैन आता है इसके साथ। फैन की क्वालिटी और बाकी स्टफ को जिस तरह से डिजाइन किया गया उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जिस कैटेगरी में इस बिला को डिजाइन किया गया वो किस तरह का है। वुडन का आता है इसमें पार्टीशन जर्नली। ये आपका वो स्पेस हो गया जहां पे आप कई बार अनवांटेड गेस्ट से मिलते हो, आपके प्रोफेशनल मीटिंग हो सकती है वो आप कर लेते हो। और ये आता है आपका घर वाला एरिया, मतलब एक तरह से आपका पर्सनल लिविंग स्पेस यू कैन क्रिएट इट। आपका डाइनिंग स्पेस और पर्सनल लिविंग स्पेस दोनों आप बहुत बेहतरीन से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये आपके सोफे का स्पेस आ गया जहां पे आपका पर्सनल लिविंग स्पेस हो गया, और ये आ गया आपका यहाँ पे डाइनिंग स्पेस। इसके फ्रंट में आता है ये आपके टीवी का कैबिनेट, हायर का बिग साइज टीवी है और बखूबी इस्तेमाल किया है इसका। ये आपके ड्राइंग, डाइनिंग, लिविंग स्पेस में से परफेक्टली विजिबल है और शानदार तरह से विजिबल है आपके किचन में। किचन से ये आपका किचन है, प्रॉपरली वुडन के साथ किया गया है इसको शानदार तरह से डिजाइन। फुली फर्निश कैटेगरी में आता है ये, प्रॉपर आती है इसमें एलेका की चूल्हा आता है, हिंदवेयर की आती है इसमें चिमनी, फ्रंट विजिबल आती है दोनों साइड से पार्किंग वाले एरिया में, और ये एक्सेस आता है इसके चिमनी का। प्रॉपर रैक के साथ किया गया डिजाइन इसको, सॉफ्ट क्लोजर आती है ये, और ये आता है इसका डिशवॉशर वाला एरिया। एंटिक क्वालिटी के साथ किया गया इसको डिजाइन। अगर आपको किसी भी स्पेस को इधर से उधर करना है तो वी कैन यूज इट प्रॉपरली। ये आता है इसके फ्रिज के लिए स्पेस, और किचन के जस्ट सामने ही आता है आपका टीवी। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो आप परफेक्टली यूज कर सकते हो, आपकी वेब सीरीज हो सकती है, आपके सीरियल्स हो सकते हैं, आपकी मूवी हो सकती है, यू डोंट नीड टू स्किप और पॉज ऑन दैट, और आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इस खूबसूरती से साथ इस प्रांगण को किया गया डिजाइन। फुली फर्निश कैटेगरी में आता है,
तो सामने आता है इसके ये लिविंग एरिया में आपका एसी, गोदरेज का एसी है, और ये आता है आपका परफेक्ट प्लेस फॉर हैंड वॉश। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया, ये आपका हैंड वॉश हो गया, बाकी प्रॉप के साथ किया गया है इसको खूबसूरती के साथ डिजाइन। ये आपकी हो गई रैक, जिसमें आप आपकी कटलरी हो सकती है, किचन के कुछ स्टफ हो सकते हैं, या फिर बाकी जरूरी चीजें हो सकती हैं, वो आप रख सकते हो यहाँ पे। एंड दिस इज द एरिया, प्रॉप के साथ इसको डिजाइन किया गया है, बड़ा खूबसूरत और शानदार व्यू देता है। ये आता है आपका अटैच कॉमन वॉशरूम, कॉमन और अटैच दोनों वॉशरूम का एक कॉम्बिनेशन है, और ये है इस प्रॉपर्टी का पहला बेडरूम। 15x60 साइज के डेप्थ में जब ये विला आता है तो एक चीज बहुत अच्छी आती है इस डायमेंशन के साथ में, वो आता है इसका बेडरूम साइज। बेडरूम साइज काफी ब्रॉड और बड़ा आता है, तो इसका बिग साइज बेडरूम, बैक स्पेस इसका बड़ी खूबसूरती से किया गया डिजाइन, और ये आता है इसका ये प्रॉपर कबर्ड, ये बेड के बगल में डिजाइन की गई है ग्राउंड टू अप, बाकी सर्दी के स्टफ है या कोई भी एक्स्ट्रा चीजें आप ऊपर प्लान कर सकते हो। शानदार वाली आती है इसमें फॉल सीलिंग, यूटिलिटी एरिया आता है इसका स्लाइडर डोर के साथ बैक में, बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन है ये स्लाइडर डोर, जाली वाला गेट भी आता है, और ये आता है आपका अटैच वॉशरूम, यहां से मिलता है आपको इसका एक्सेस। फर्स्ट फ्लोर का सफर करते हैं, ये फ्रंट विजिबिलिटी आती है फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाते हैं, एंटिक लाइटों के साथ, वुडन वर्क के साथ किया गया हुआ वर्क, और ये विजिबिलिटी आती है आपके लिविंग स्पेस की। स्कूल क्लासी और शानदार एरिया, ये आता है आपका फर्स्ट फ्लोर का स्पेस, ये ब्रॉड लिविंग स्पेस है आपके फर्स्ट फ्लोर का, एंटिक और क्लासी तरह से डिजाइन, खूबसूरत है ये एरिया, और खूबसूरत है ये एंटिक बैक स्पेस जिस प्रॉप के साथ इसको किया गया डिजाइन। यहां पे आप अपने मेमोरीज या फोटो फैमिली फोटोग्राफ भी लगा सकते हो। ये सेकंड बेडरूम है इस प्रॉपर्टी का, इट्स अ बिग एज इट इज एज ग्राउंड फ्लोर, और ये आ गया आपका अटैच वॉशरूम। प्रॉपर आता है इसमें गीजर, और प्रॉपर आता है वॉल फिटेड आती है इसकी कमोड। बैक स्पेस वाला एरिया आता है वेंटिलेशन के लिए, और बैक स्पेस वाला एरिया आता है आपका यूटिलिटी एरिया, वॉश एरिया या कवर्ड एरिया आप इसको कह सकते हो। शानदार वाली फॉल सीलिंग को किया गया है इसमें डिजाइन। और ये आता है ठाकुर जी, ठाकुर